खाद्य विभाग ने अभनपुर के गोबरा नवापारा क्षेत्र की दो राइस मिलों में छापामार कार्रवाई की है। विभाग ने मौके से 2606 क्विंटल चावल और खंडा के साथ 4810 क्विंटल धान जब्त किया है। शंकर राइस एंड पोहा मिल से 1904 क्विंटल चावल, 970 क्विंटल धान और 112 क्विंटल खंडा जब्त हुआ है। श्री मोहिनी एग्रो से 3840 क्विंटल धान और 590 क्विंटल चावल जब्त करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान से 2,90,346 मीट्रिक टन धान जिले के संग्रहण केंद्रों में बाकी है। 20 जून को अपर कलेक्टर ने जिले के राइस मिलरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद मिलरों ने धान के उठाव में तेजी नहीं दिखाई, इसीलिए अब आकस्मिक जांच कार्रवाई शुरू हो गई है।